हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं RRB NTPC एग्ज़ाम 2019 के बारे में और RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको RRB NTPC और ग्रुप डी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो काफ़ी सारे छात्र जो NTPC और RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम की यहाँ तैयारी में जुटे हुए और उन्हें जानना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कब तक स्टार्ट होने वाला है। तो हालांकि दोस्तों, अभी तक जो है ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, अभी उसका मॉडिफिकेशन भी आया है। और अब रेलवे नए वेंडर को चूज़ कर रही है यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी टू कंडक्ट रेलवे एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, द रिक्वायरमेंट विंग ऑफ इंडियन रेलवेज RRB इज़ ओवर हायरिंग एन एक्सटर्नल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम कन्फर्मिंग द न्यूज़ टू NDTV एंड ऑफिशियल सेट द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेट वी विल हायर ऑन एजेंसी ऑन कंडक्ट टू रेलवे रिक्वायरमेंट एग्जाम आफ्टर ए मीटिंग विद टॉप ऑफिशियल्स बोर्ड विद प्रिपेयर द टेंडर एंड इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव एजेंसीज। तो एक से दो मंथ्स अभी आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में बताया गया है कि अभी तक एजेंसी को फाइनल करने में लगभग आपको पता है कि 20 से 25 एजेंसी जो शामिल हुई थी, जो रेलवे है नए टेंडर के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी उसके लिए ढूंढ रहा है कि उसे कौन सी एजेंसी, जैसे कि आप सबको पता है 25 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी। अब उन्होंने बताया जो कंपनी है एग्ज़ाम लेने के लिए उसमें लगभग एक से दो मंथ का टाइम लग सकता है डिसाइड करने में कि किस एजेंसी के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम किए जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम आपसे यहाँ पे भी कह रहे हैं, आप एक दो महीने ना लेकर चल के ये समझिए कि जो आपका एग्ज़ाम है अक्टूबर के लास्ट तक जो यहाँ स्टार्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल अपनी तैयारी में जुटे रहिए, यहाँ पे एक से दो मंथ बताए, लेकिन रेलवे का कोई परेशानी, कभी भी कोई भी कदम उठा सकती है और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से जारी रखते रहिए यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जिन छात्रों को यहाँ रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, उनके लिए भी यहाँ पे एक शायद मॉडिफिकेशन लिंक दोबारा आएगा, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हेल्प डेस्क जारी किया गया था जिसमें आप सब लोगों ने अपनी क्वेरी शेयर करी थी कि किस वजह से जो आपका फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है। तो उसके बाद आपका एक मॉडिफिकेशन लिंक देखने को मिल सकता है और उसके बाद कहीं ना कहीं अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्टिंग में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट आप सब लोगों के लिए यहाँ पे। और NTPC का एग्ज़ाम है वो शायद और लेट खिसक सकता है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक NTPC का जो है स्टेटस भी जारी नहीं किया है। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।